मोहब्बत की नगरी आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। नागरिकता संशोधन अधिनियम अभियान गोष्ठी में ले रहे भाग। यूपी में एक साथ कई शहरों में हो रही अभियान गोष्ठी का हुआ आयोजन। गोष्ठी का आयोजन संस्कार सेवा सदन बेस्ट अर्जुन नगर में किया गया। गोष्ठी का आयोजन कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पहुंचे भाजपा। ननकाना साहिब पाकिस्तान की घटना पर आगरा के सिख समाज में भी रोष व्याप्त है। इसी संदर्भ में आज आगरा में गुरुद्वारा गुरकेताल पर सिख समाज की एक बैठक संत बाबा प्रीतम सिंह की अगुवाई में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से घटना के लिए रोष व्यक्त करते हुए कहा गया कि श्री गुरु नानक देव जी ने संपूर्ण संसार में यात्रा कर भाईचारा का संदेश दिया है और उनके जन्म स्थली को नकारते हुए उस स्थान का नाम बदलने की मांग करना गलत है। ये वही पाकिस्तानी है जो श्री गुरु नानक देव जी को अपना पीर बताते थे, आज उनकी जन्म स्थली को ही झुठला रहे हैं, वो भी किसी बच्ची को अगवा कर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने को लेकर, जो नायज है। भारत सरकार को तुरंत इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए और पाकिस्तानी सरकार के मंसूबों को सारे विश्व के सामने लाना चाहिए। किस प्रकार उनके देश में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को तुरंत इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। सिख समाज की सुरक्षा के लिए सेना नियुक्त करनी और बच्ची की अविलंब रिहाई करवानी चाहिए। इस बैठक में कवलदीप सिंह, बंटी ग्रोवर, ज्ञानी कुलविंदर सिंह, इंद्रजीत सिंह मल्होत्रा, मुख्तार सिंह सहित कई सिख समाज के लोग भी उपस्थित रहे। पाकिस्तान में कल जो ननकाना साहब में जो कायराना हरकत हुई है मुस्लिम समाज द्वारा, वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसकी सिख समाज में बहुत ज़बरदस्त रोष है। उसको लेकर आज सिख समाज की एक मीटिंग मौजूदा मुखी संत बाबा प्रीतम सिंह जी की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें प्रसिंह सभा के प्रधान कवलदीप सिंह भी उपस्थित थे। तो वहाँ पर जो पुरजोर से जो मांग की गई थी वो ये थी कि पाकिस्तान, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने पूरे संसार में भ्रमण किया था और उन्होंने भाईचारा का संदेश दिया था, तो जो पाकिस्तानी लोग गुरु नानक देव जी को हिंदू अपना पीर बताते थे, आज उन्हीं की जन्मस्थली को वो अपना नाम हर नाम बदल के दूसरा नाम बदलना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के ग्रंथी को जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान लोकतंत्र की दुहाई देता है, यहाँ पर श्रीनगर का हवाला देता है या वो देता है, अपने यहाँ क्या लोकतंत्र हो रहा है। हम तो भारत सरकार से डिमांड करेंगे कि पाकिस्तान की जो ये नंगा सच है वो विश्व पटल पर लाया जाए और उनका सेना को हस्तक्षेप करके पाकिस्तान सेना जो वहाँ पे अल्पसंख्यक रह रहे हैं उनके हितों की रक्षा की जाए और जो उनको वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको नहीं तुरंत वहाँ से निकाला जाए। जी, मेरा नाम मास्टर गुरनाम सिंह, गुरुद्वारा गुरु का ताल जी। और जो ये पाकिस्तान में जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय योग है और इस तरीके की घटना होनी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म के ऊपर सीधा एक तरीके से टारगेट करके, क्योंकि गुरुद्वारा में जो लोग माथा टेकने गए हैं या जिनसे उनकी कोई भी बातचीत है, जो अंदर संगत मत्था टेकने गई है उनके ऊपर पथराव करना या कुछ करना, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, अगर कोई मुस्लिम भाई अगर कोई नवाज अदा कर रहा है, अगर हम लोग उनके ऊपर पथरावबाजी कर रहे हैं तो उनके धर्म को कितनी ठेस पहुँचेगी। जो संगत वहाँ पे कीर्तन कर रही है, शब्द कीर्तन गुरबाणी का गायन कर रही है, उनके ऊपर एक तरीके का पथराव करना ये बहुत निंदनीय हो गया और इस तरीके की घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगरा से राजा गुप्ता की रिपोर्ट।